गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दशरथ, मैं आज आपको जैसे कि छोटा छोटा ब्लॉग वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों, तो आज स्पेशली मैं होटल में सोया हुआ था। हालांकि अभी दो चार दिन से ही पे सो रहा था, दो चार दिन से नहीं लेकिन दो दिन या तीन दिन हो रहा है मुझे लगता है होटल में सो रहा था। और ये है होटल का कुछ स्टाइल सेटअप। और मुझे लगता है दोस्तों आज हमारे रेफरी सर लोग घर अपना अपना जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उम लगते हैं, मिलते हैं और उन लोग से विदा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि 15-20 दिन का जो सफ़र था इनका फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल लोग घर जा रहे हैं और थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि दो चार दिन ऐसे साथ में रहे और अचानक चले जा रहे हैं। दोस्तों थोड़ा उसी मोमेंटम को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे बट मैं देखते रहिए। दोस्तों मैं यहाँ पर सोया हुआ था ऊपर में आज, और यहाँ पर उसका सेटअप कुछ ऐसा है देखिए। और ये यहाँ पर है टीवी जिसमें लोग आईपीएल देखते रहते थे अक्सर, और फुटबॉल मैच भी देखते रहते थे। और मुझे लगता है कि ये है सैम सर, जो मुझे लगता है इतने दिन का जो समय था अब हम लोग को जाने छोड़ के जा रहे हैं कि अपना घर जाना है, तो थोड़ा सा कैसा लग रहा है उसको बता दिए सर। तो जैसे हम लोग 15 दिन तक यहाँ रुके जी जी जयपुर, अपने को ऐसा जैसे अपने घर टाइप से हो गया था, लेकिन आज छोड़ के जा रहे हैं तो अपने को बुरा लगे, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। हाँ, तो आइए, आए हैं तो एक दिन अपना घर जाना ही पड़ेगा। जी जी, फिर मौका मिलेगा तो जरूर मिलेंगे। जी जी सर, थैंक यू सर। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है रिक्वेस्ट सर से मिलते हैं और आप लोग को जो समय सीमा था यहाँ का रुकने का वो सारी चीज़ को दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी सर थे, वो लोग भी सो रहे थे, तो उन लोग से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप कितने समय जाने वाले हैं उसको बता दीजिए। टुडे आई एम गोइंग टू टिल इवनिंग। थोड़ा सा बुरा लगेगा कि आज साथ छूट जाएगा ऐसा करके, तो कैसे लग रहा है उसको बता दीजिए थोड़ा सा। लाइक एंड लीव दैट। थैंक यू थैंक यू। तो फिलहाल दोस्तों ये हमारे रविंद्र सर हैं, इनसे ही पूछता हूँ थोड़ा सा कि सर कैसे लग रहा है आज हम लोग को साथ छोड़ने वाले हैं आप। अरे बहुत तो ही अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दिन से, अभी 15 दिन से हम लोग साथ में थे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक परिवार के जैसा था। जी जी, और हमेशा याद रहेगा, मेमोरियल की तरह है। जी जी, थैंक यू सर। हम लोग के लिए हमेशा के लिए याद रहेगा, लाइफ लाइन। और सर मेरे वीडियो को क्या कर रहे हैं उसको करवा दीजिए एक बार। अच्छा, दर्शक लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो फिलहाल दोस्तों रुपेश सर से एक बार मिल लीजिए आप लोग, क्योंकि ये भी हमारे सर स्पेशल हैं जो मुझे स्पेशली बुलाए थे। तो सर इस दिन का जो सफ़र था, मैं आपके साथ था, मुकेश सर थे, ये श्याम सर थे, ये सारे थे आपके साथ, तो भी फिलहाल ऐसे कैसे मोमेंटम था आपका वो सारी चीज़ बता दीजिए सर। काफ़ी अच्छा रहा है 15 दिन हमारा यहाँ बिताना। जी, कभी ये कहने को नहीं मिला, कर जसपुर नहीं गए, गए रह के आए, मैच खराब किया है, और अगर अगली बार मौका मिला तो जरूर आएंगे फिर से जसपुर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। तो फिलहाल दोस्तों सर निकलते हैं अपने घर की ओर, और मुकेश सर हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमको तो दुख हो रहा है अपने भाइयों को छोड़ दे रहे हैं, 15 दिन रहे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। भाई भाई बचा हुआ, अब इनको भी विदाई करेंगे, शाम को भेजेंगे बिलासपुर वालों को, तरबुजा वालों को आज भेज दे रहा हूँ। थैंक यू सर। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग बस स्टैंड को चलते हैं और सर लोग से विदाई लेते हैं, तो थैंक यू बोलते हैं और जो भी सिचुएशन था सारी चीज़ को दिखाता हूँ। ये दोस्तों सुधा रेस्टोरेंट का सेटअप है देखिए, और इधर मुझे लगता है कुछ कुछ इधर जो भी डोसा बलसा वगैरह बनना रहता है वो सारा चीज़ बनता है। और हम लोग अभी फाली जिसमें निकल रहे हैं, और मुझे लगता है हमारे सर से भी मुलाकात कर लीजिए एक बार, बाय कर दीजिए सर, क्योंकि इतने दिन का जो सफ़र था वो एक बार ऐसे कर दीजिए ना, ऐसे हाँ कर दीजिए बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिलहाल दोस्तों अभी सारे लोग निकलने वाले हैं घर की ओर, आप बात कर दीजिए, अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसा और कुछ बचा हुआ है मेरा स्वीट मैम, थैंक यू थैंक यू। मैं मतलब मिस नहीं कर सकता, इट्स थैंक यू थैंक यू। फिलहाल दोस्तों हम लोग बस स्टेशन फाइनल पहुँच चुके हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर लगा हुआ है गुरु नानक, ये जगह मुझे लगता है जसपुर कोरबा बिलासपुर, और ये बस है
हमारे सर जाने वाले हैं ये बस से, ये पालिका जो मुझे लगता है बगीचा होते हुए नारायणपुर कुनकुरी जसपुर करके ये देखिए लिखा हुआ है, ये सारा होते हुए जाएगा जैसे अंबिकापुर की ओर, अंबिकापुर बगीचा नारायणपुर कुनकुरी। और ये बस है, इसी बस में जानेंगे क्या? इसमें नहीं जाएंगे, दूसरा। अच्छा जो इधर से जाएगा बोल रहे थे लाना, हाँ कुसमी वाला। मुझे लगता है दोस्तों बस निकल गया है, बस निकल गया एक मुझे लगता है। जो बस में जाना था दोस्तों वो खाने निकल चुका है यहाँ से, लेकिन अब सर लोग का कहना है कि ये जो अम्बालिका बस है इसमें जाने का सोच रहे हैं, अब देखते हैं कौन से बस में निकलते हैं सर लोग। और यहाँ पर स्विम बस भी लगा हुआ है जो मुझे लगता है कि बंदर बंदर क्यों होकर जाएगा ये, लेकिन ये जो बस है ये बस जाएगा होते हुए फिलहाल दोस्तों। ये अम्बालिका जो बस है इसी बस में हमारे सर लोग स्पेशली अब निकलने वाले हैं, क्योंकि जो भी सिचुएशन है सारा सिचुएशन देखिए बस में बैठाते हुए हम लोग, हमारे जो भी सर लगाए हुए थे वो सर लोग को विदा देने के लिए स्पेशली हम लोग आ चुके हैं अम्बालिका बस जसपुर बस स्टैंड में। और मोमेंटम कुछ चीज आप रहा है देखिए, और थोड़ा सा मुझे ख़राब भी लग रहा है दोस्तों कि ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि हम लोग छोड़ रहे हैं सर लोग को, लेकिन क्या क्या कहना है, अब मिलना बिछड़ना तो लगे रहता है दोस्तों। तो फिलहाल अभी हम लोग हमारे सर लोग को छोड़ते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने होटल की ओर। ये लगता है दोस्तों हम लोग बस कन्फर्म हो गया है, सर लोग हम लोग के यहाँ पर सीट खाली ले चुके हैं, अब निकलेंगे सर लोग अंबिकापुर की ओर और अपने अपने घर पहुँचेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। दोस्तों मुझे लगता है अंबिकापुर तक तो वो बस लेके जाएगा, लेकिन वहाँ से फिर कहाँ कहाँ जाएंगे सर उसको बता दीजिए। वहाँ से मैं सूरजपुर के लिए निकलूंगा और फिलहाल अपने लखोरी के लिए मैं लखोरी, हाँ लखोरी, हाँ और निकलेंगे भाई भटगांव निकलेंगे, जल्दी भटगांव। वहाँ से लगभग कितने किलोमीटर है? पचास किलोमीटर, एक डेढ़ घंटे का सफर फिर से। और आपका? मेरा वहाँ से वही 40 किलोमीटर है समथिंग, वही एक ही घंटा समथिंग, हाँ एक घंटा समथिंग। और आपका 15 किलोमीटर वहाँ से, 15 किलोमीटर बोलते हो आपका, आधा घंटा लगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सिचुएशन दोस्तों कि हम लोग साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं भी लग रहा है कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि इतने दिन साथ में थे तो थोड़ा सा सारा मोमेंटम बना हुआ था कि साथ में उठना है साथ में बैठना है। तो ये सारा चीज़ को भूलते हुए हम लोग दोस्तों विदा लेते हैं और सर लोग अपने घर और हम लोग अपने घर की ओर निकलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों सुबह सुबह का समय है और लोग चाय पीते हुए देखिए यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे चाय दुकान जहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं। फिर यहाँ पर चाय पीने के बाद दोस्तों हम लोग फाइनली एक दूसरे से विदा लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे देखते रहिए। हमारे महाराज जी दोस्तों स्पेशली मिले हैं बहुत दिन बाद, कैसा लग रहा है आपसे मुलाकात करके? बहुत अच्छा लगा महाराज जी, हाथ मिला तो फिर पैर भी छूता आपका, आशीर्वाद दीजिए कि जो भी काम हम करें वो सफलता पर रखा जाए, सब ठीक ठाक है। आप मोदी भैया से मिले थे? नहीं मिले थे मोदी भैया से, मिलते रहते हैं। हाँ थैंक यू बहुत अच्छा लगा कि आपसे। अरे बहुत, मैं कल ही बात किया था, बोले कि ऐसा ऐसा ठीक है भाई, आज मुझे लगता है ये रहने वाले हैं मोदी भैया, तो थैंक यू महाराज जी। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि हमारे दोस्त लोग स्पेशली मुलाकात कर रहे हैं और ये भी मुझे लगता है अंबिकापुर जा रहे हैं, तो हमारे सर लोग को स्पेशली इंटरटेनमेंट कराते हुए जाना भाई, थैंक यू भाई अच्छा लगा। तो कैसे काम से जा रहे हो? अच्छा थैंक यू भाई। तो फिलहाल एक काटे काम हमको दे दो अच्छा लगता है, चलो ठीक ना भाई। तो फिलहाल दोस्तों हमारे सर लोग स्पेशली अब जाने वाले हैं, तो थैंक यू सर। फिलहाल दोस्तों बाय बाय, हम बस स्टैंड में हैं और मालिक बस अब निकल रहा है अंबिकापुर की ओर। तो फिलहाल हम लोग अब बोलते हैं बाय बाय और इस वीडियो का अंत करता हूँ, क्योंकि जो मोमेंटम है वो मुझे लगता है ख़त्म ही हो चुका है।
बिछड़ने वाला पल जो भी था वो समाप्त हो चुका है दोस्तों, और अब हम लोग बिछड़ चुके हैं। बोले तो हमारे रेफरी सर लोग स्पेशली अब जा रहे हैं अंबिकापुर की ओर, फिर अपने अपने घर की ओर जाएंगे, और जो बिलासपुर से हैं उन लोग बिलासपुर जाएंगे। तो फिलहाल अब इस वीडियो को अंत करता हूँ, निकल रहा बस। मुकद्दर की बात हो, जल्दी जल्दी भाई, थैंक यू भाई। फिलहाल दोस्तों जो भी मोमेंटम था पिछड़ने वाला वो मोमेंटम मैंने कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग जा रहे हैं होटल की ओर। फिलहाल मैं वीडियो कॉल करता हूँ, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।